mm -hmm. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك توأ وتمتئه فيها طويلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك اللهم صل على محمد وآل محمد نازل المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذي متعال کا कि उसने एक बार फिर तोफ़ी दी कि कलाम मजीद यानी क़ुरान के बारे में आप लोग की खिदमत में कुछ आरइस को बयान कर सकूँ साथ ही साथ मैं महदवी समाज का भी शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उनके ज़रिए से तोफ़ी हासिल हुई कि कुछ अहलब के मारफ़ को आप तक पहुँचा सकूँ इससे पहले के क्लास को रस्मी तौर पर शुरू करूँ आपकी ख़िदमत में अर्ज़ है कि वो लोग कि जिन्होंने एडमिशन लिया है महदेवी समाज क्लासेस के लिए उनसे गुजारिश है कि ये कोड जिसे मैं अभी कहूँगा उसे लिख या याददाश्त कर ले ताकि अटेंडेंस में कोई मुश्किल पेश न आए कोड है क्यू टी वन फिर से तक दोहराता हूँ क्यू टी वन ये कोड है उन अफराद के लिए कि जिन्होंने महदवी समाज क्लासेस के लिए सप्तनाम किया है एडमिशन लिया है इसे जरूर लिख लें ताकि आगे जाके अटेंडेंस के सिलसिले से कोई मुश्किल पेश ना आए जो मौजू दिया गया है वो है कुरान का मुख्तर तारफ एक बेसिक सती और लेवल वन के लिए हक तो ये बनता है कि अगर कोई कुरान की तारीफ या तारफ़ कराना चाहे तो वो खुद कुरान से इस्ता करे कुरान ने कुरान के बारे में क्या कहा है या उनसे पूछे कि जिन्होंने कुरान को कामिल तरीके से समझ लिया है इसलिए कि हक सिर्फ वही अदा कर सकते हैं कि जिन्होंने कुरान को पूरी तरीके से समझा है यानि अहल या है कि खुद कुरान आके अपने बारे में कहे कि मैं ऐसी किताब हूं लेकिन इसलिए कि ये बहरहाल हम एकदम इब्तदाई मरहले में हैं, कोशिश करूंगा एक मिसाल के जरिए से अजमत कुरान को आपकी खिदमत में पेश करूं आप देखें अगर आप कोई सफर पर जाना चाहते हो फर्श करे पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक के और आपने सफर को कभी तय नहीं किया हो तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे जाहिर सी बात है हर आकिल इंसान उस शख्स से जाकर पूछता है कि जिसने सफर को तय किया हो इसलिए कि वो उस शख्स के जिसने सफर को तय किया है वो आपको बता पाएगा कि देखे आप अगर यहां से शुरू करेंगे और आपको अगर यहां पहुंचना है तो फला रास्ते को इख्तियार करें वहां पर कम खतरा है अगर आप रास्ते में कहीं पर खाना खाने के लिए रुकना चाहे फॉर एग्जाम्पल बितौर मिसाल तो फलां जगह पर जाए वहां पर आराम करिएगा फलावादी जो है वहां से जल्दी से गुजर जाइएगा तो एक ऐसा इंसान बता सकता है कि जिसने सफर को तय किया हो कोई भी आकेले इंसान जो है ऐसे इंसान से नहीं पूछता है कि जो खुद सफर ही ना किया हो इसलिए कि जो खुद नहीं सफर किया है जिसने वो आपको किस तरीके से हिदायत कर सकता है ये उस तरीके से होगा जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाए कि बहरहाल अकलमंद इंसान इस काम को हद्या नहीं करता है तो अब देखिए हमारा ये सफर जो, जो जिंदगी में शुरू हो चुका है कब से शुरू हुआ विलादत से हुआ या विलादत से पहले से हुआ या एक बुलूक से हुआ जब से भी हुआ बहरहाल अभी यह सफर हमारा शुरू हो चुका है और सफर कब खत्म होगा जब हम मलिकल मौत की जियारत करेंगे ये सफर जो हमारा शुरू है अब हम उस सफर के दरमियान हैं तो अब परवरदिगारा ये सफर जो हमने शुरू किया है किससे जाके पूछे हमारा मैप क्या है हमारे जीपीएस क्या है कि हम उसके जरिए से हमारे मकसद तक पहुंच सके इसलिए कि आखिरकार हम एक जगह तो पहुंचेंगे शायद वह जन्नत हो या खुदाना खासा जहान एक जगह पहुंचना जरूरी है लेकिन कौन सा रास्ता इख्तियार करे कि जिसके जरिए से हमें जन्नत हासिल हो आप देखे अमीर कायनात अमीर वस-सलाम कायना फरमाते हैं कि तुम्हारे नफ्स के लिए तुम्हारे लिए कोई कीमत नहीं है अल्लाह जन्नत के बहेज के यानी अगर इंसान ने अपने आप को इस सफर में जन्नत से कोई भी दर्जा पाइंतर अपने आप को रखा तो उसने नुकसान किया है और फिर जन्नत के भी कई दर्जात है तो किस तरीके से इस सफर को तय किया जाए ताकि हम जन्नत तक पहुंचे और फिर जन्नत के आला दर्जात तक पहुंचे और फिर उस तरफ से यह भी है बहुत सी औकात हम लोग ये समझते कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं लोग खुदा के खुदा से नजदीक हो रहे हैं लेकिन दरवाके खुदा से नज़दीक नहीं होते बल्कि हमारे नफ्स की और हमारे शैतानी की ख्वाहिशात के इत होती होती है देखिए कुरान में वाज तौर पर कहा है कि वो इंसान के जो दुनिया और आखिरत में सबसे ज्यादा नुकसान में है अक्सरीन का लफ्ज इस्तेमाल किया है वो कौन है वो इंसान कि जो पूरी दुनिया ये इस पूरी दुनिया में ये सोच कर काम करता रहा कि मैं खुदा से नजदीक हो रहा हूं लेकिन दरवाके वो खुदा की इतात नहीं कर रहा था बल्कि वो अपने नफ्स के बनाए हुए खुदा की इतात कर रहा था लिहाजा ये सफर किस तरीके से तय करना है और सबसे बेहतर ये कि अगर आप कोई पजल आप कभी सॉल्व करने जाए अगर आपको कोई उसका पजल समझ में ना आ रहा है कि ये हिस्सा कहां जाता है ये किस तरीके से इस पजल को सॉल्व करे तो सबसे बेहतरीन इंसान उस टाइम पे पूछने के लिए कौन रहता है कि जिसने इस पजल को बनाया हो सही इस पजल को बनाने वाला इस दुनिया को बनाने वाला कौन है अल्लाह तबारक बता अब परवरदिगार से आकर पूछे परवरदिगार हमें ये सफर पे जो हमारे ऊपर इख्तियारी नहीं था हमें यह सफर करना बिल बिल्जबार है बिलखर हमें इस सफर को गुजारिश जिंदगी को जो खुदा मुताल ने हमें लुत्फ की है हमारे ऊपर करम फरमाया है कि हमें तोफीक दी मौका दिया कि हम उससे नजदीक हो सके हमें इसे तय करना है अब जब इसे तय करना है तो परवरदिगार तू तो हकीम है तू वज है तेरी हमत से दूर है कि तू हमें ऐसे रास्ते पर रखे और रास्ता ना बताए परवरदिगार रास्ता क्या है रास्ते में शायद आवाज है कुरान की वो आयत कि जिसे कमाबेश सभी हिफ्स है और इब्तदाय माह रमजान में तो ज्यादा से ज्यादा सुनते और तिलावत होती है रजीम शहर रमज़ान औजबिल्ल शैतरजीम शाहरमानजी क़ुरआन हद ना बातुर माहमार के, माह के रमज़ान महीना है कि जिसके अंदर कुरआन नाजिल किया गया है ठीक कुरान क्यों नाजिल किया गया परवरदिगार खुदन लोगों की हिदायत कर सके कुरान आया है हमारी हिदायत के लिए हमें बताने के लिए कि देखो ये रास्ता तुम्हें यहां ले जाएगा वो रास्ता तुम्हें उस तरफ ले जाएगा हुदन हुदा वल यानी हिदायत की तमाम चीजें कुरान के अंदर है और कुरान को फुरकान कहा है फुरकान यानी क्या फुरकान यानी वो चीज़ के जो हक और बातिल के दरमियान फासला बता दे आपको कुरान सिर्फ आपको ये नहीं बताता है कि आप अगर ये रास्ते से जाएंगे तो आपको फर्श करे जन्नत हासिल होगी बल्कि कुरान ये भी बताता है कि अगर आपने सरात मुस्तकीम को छोड़ दिया और आप जो गैर सरात मुस्तकीम पर चलने लगे तो यह रास्ता तुम्हें जहन्नम के कौन से हिस्से में या कौन से लेवल पर जाकर छोड़ेगा दोनों चीजें कुरान के अंदर बयान है इन्ना हद सबीर इम शाकिरा मा कफूरा हमने जो है रास्ता बता दिया है परवरदिगार फरमा कुरान में रास्ता हमने इंसान को बता दिया है इन्ना हद ना हो सभी रास्ता बता दिया इम मशाकरन? अब ये इंसान के इख्तियार में है क्या वो गुजार रहे और जिस रास्ते पर उसे चलने के लिए कहा गया है उस रास्ते पर चले या जो है कुफरान करे और अपना मुंह मोड़ दे और वो रास्ते पर जाए कि जो इर्ता परवरदिगार से दूर है लिहाजा कर्न एक ऐसी किताब है कि जहां पर परवरदिगार मताल ने बयान कर दिया इंसान के लिए कि ये रास्ता स की तरफ है जन्नत की तरफ जाएगा और ये रास्ता तुम्हें दोजह की तरफ ले जाएगा अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम लोग जब कभी सफर पर जाते हैं तो कहीं जाके हमें समझ में नहीं आता कि यहां से किस तरफ जाए रास्ता बितौरे कुल, हमें पता है कि हमें जो है फलान जगह तक जाना है हमें जो एता परवर्दीगार करनी है लेकिन जब इंसान गामजन होता है इस रास्ते के ऊपर तब बहुत सी औकात वो फंस जाता है जितना भी तकी जीपीएस हो उसका कभी कभी जाकर इंसान फंस जाता है कि ये रास्ता ये वाला है या ये वाला है यहां पर भी अब खुद जब इंसान को कुरान को समझने में मुश्किल आ रही है तब इंसान क्या करे फिर दो इस हालत है उसके पास या ऐसे से पूछे कि जो वापस जो सफर कर कर वापस आया है यहीं पर एक छोटा सा वाक्य भी खदमत मायूस करता चलूं कि एक बार अमीर कायनात इमाम अली कब्रिस्तान से गुजर रहे थे अपने असहाब के साथ एक कब्र के पास पहुंचते हैं और अपने असहाब से कहते हैं कब्र से खिताब करते हैं और फिर फरमाते हैं कि ए साहेब कब्र मैं तुझे बताता हूं कि इस दुनिया में कि जो तू जिसे तू अपने दिल से बहुत नजदीक रखा था जिसे तू बहुत चाहता था उसका क्या हाल है और फिर तू मुझे बता कि वहां पर कि जहां पर कोई नहीं गया हम में से अब तक वहां पर क्या हाल चल रहा है इमाम ने तीन जुमले उसकी पूरी जिंदगी बता दी वो घर कि जहां पर तू रहा करता था वो दूसरे रह रहे वहां पर वो इंसान जो तुम्हारा जीवन साथी था उसने किसी और जीवन साथी को अपना लिया है और वो माल कि जिससे बड़ा दिल लगी थी तो बड़ी दिल लगी थी तुम्हें वो भी जो आपके वो रास में तकसीम हो गई कि तमाम चीजें जो तुम्हें इतनी दिलचस्प लगती थी दुनिया में सब बिखर गई अब बताओ कि कब्र में क्या हाल है इमाम ने फिर अपने आप से कहा कि अगर इस मुर्दे को इस साहिब कब्र को इजाजत होती कि वो कलाम करे तो वो ये कहता इन नजाद कि बेहतरीन चीज जो यहां पर किसी इंसान के काम आ सकती है वह है तकवा अगर कोई इंसान कब्र में जाकर वापस आए और हमें खबर दे कि किस रास्ते को इख्तियार करना चाहिए वह तकवा का रास्ता सही अब आए जिस बात को मैं अर्ज कर रहा था कि इंसान एक जगह पर जाकर फंस जाता है नहीं समझ में आता है यहां पर हक कौन सा है बातिल कौन सा है तब क्या किया जा परवरदिगार तो आए तथीर बताएगी क्या करना है खा इन ना कुरा कि देखो ए इंसान जब तुम शक में पड़ जाओ मुबतला हो जाओ तुम्हें न समझ आए कौन सा हक का रास्ता है कौन सा बातिल का रास्ता है तो अहल बैत की तरफ जाना क्यों इसलिए इराद इलाही ये है कि अहल बैतम से तमाम किस्म की नक्स जहालत दूर रखी गई है और खुदा ने मताल ने यह जिम्मेदारी ये गारंटी ली है कि इनको पाक किया गया है इनको प्योरिफाई रखा गया है हर बुरी चीजों से हर जिदों से लिहाजा अगर इंसान कभी शक में मुबतला हो जाए कि क्या करे तो आए अहल बैतूल के दरवाजे पर अहल बैत ने क्या कहा है और फिर हदीश हजीशन में या सकलैन में पैगम्बर ने एक्सप्लिसिटली यानी एकदम वाजह अल्फाज में बयान फरमा दिया कि देखो ये दो ग्र चीज इनी तार फीको मुझसे या सकलाइन कि ये दो गां बहार चीज जो है मैं आपके दरमियान छोड़ जा रहा हूं वो क्या है कुरान और इत्र, मेरी इतरत कि जो मेरी अहल बैत है और अगर कोई इन दोनों से मुतमस्क रहे तो वो कभी भी गुमराह नहीं होगा यानी अहल बैतम कुरान के इदल है यानी बराबर है अगर कुरान कहीं पर समझ ना आए तो अहले अहलबैत से पूछे अहले बैत का अगर कोई रफ्तार समझ में ना आए तो उसे कुरआन पर तथबीक दे जितना मुहिम और इम्पोर्टेंट अहले अहल है उतने ही इम्पोर्टेंट कुरान है और जितना इम्पोर्टेंट कुरान है उतने ही इम्पोर्टेंट अहले बैत है इसलिए कि पैगंबर ने दोनों को बराबर करार दिया है एक दूसरे के इज्ल मुआरफी की है यानी अगर इंसान ने इन दोनों में से एक का भी दामन छोड़ दिया तो गुमरा है जन्नत में या कामयाब होने की शर्त यह है कि तमस्सुक हो किनसे बैत और कुरान इनमें से आप एक को भी हस कर दे इंसान कामयाब नहीं होगा लिहाजा जिस तरीके से हम लोग अहल बैतम पर इनको इंपॉर्टेंस देते हैं उतना ही इंपॉर्टेंट है कुरान इसलिए कि अगर कुरान को इंसानी जामा पहना दे तो अहल बैत का नाम है और बैत एहलैतम की पूरी जिंदगी को एक किताब और कानून की शिकल में लिख दे तो बेहतरीन किताब कुरान रहेगी और ये एक दूसरे से जुदा नहीं है जहां भी इंसान कहीं कुरान है वहां पर अहल बैत है जहां अहल बैत है वहां कुरान अली कुरान वाल कुरान अली ऐसी कई अहादिश से हमारे पास बहरहाल कुरान उतना ही इंपॉर्टेंट कई बार हमारे माशरे में देखा जाता है कि लोग अहल बैद्लाम को बहुत इम्पोर्टेंस और देना भी चाहिए अगरचे उसका हक फिर भी अदा नहीं हो सकता है लेकिन कुरान के नस्बत इंसान गफलत में है कुरान क्यामत के दिन शिकायत करेगी पैगंबर से कि या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत ने मुझे महजूर करार दिया महजूर यानी मथरूक एक ताकचे के ऊपर रखा रख दिया हमें जब भी का आया, फौरन उसको खोल के तिलावत कर दी और जो है बस सवाब की खाति तिलावत होगी और वापस बन करके दूर रख दिया है ना उसके मानी पता है इसलिए कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो क्यामत के दिन इंसान के दर्जात को मुशक्स करता है वो आयात अलाही है ए करा कहा जाएगा पढ़ो क्रायत करो और वर्क और तरक्की करते जो अपने दर्जात में लिहाजा हमें कुरान से गाफिल नहीं होना चाहिए इसलिए कि एक जीता जाता मोजा है पैगंबर का तमाम सिफात आपको पता है कि हर दौर में जब भी कोई नबी आया तो उस जमाने के हिसाब से अपने मोजात को लाता था जिस तरीके से हजरत मूसा के जमाने में शहर जादूगरी का बहुत राजज था लोगों के दरमियान तो परवरदगार मुताल ने हजरत मूसा को एक ऐसा जजात दिया कि उस जमाने से उस जमाने के लोग समझ भी सकते थे और नहीं भी समझ सकते थे यानी क्या यानी ये कि जब फिरऑन के दरबार में जादूगरों ने अपनी रस्सी को फेंक कर अजदहा बनाया ये तो जादू था खुद साहिरीन जानते थे कि ये जादू है लेकिन जब हजरत मूसा ने अपने असा को फेंका वो भी अजदा बना लेकिन ये वो अजजहा ना बना कि जो जादूगरों ने बनाया था बल्कि ये वो अजदहा बना कि जो उनके जादू पर हावी था उससे ज्यादा कवि था हती कि खुद जादूगर इस बात को समझ रहे थे कि ये काम जो इसने किया वो जादू नहीं है बल्कि मोजा है आयत इलाही है और फौरन सजदे में झुक गए दासर मुफसल आपने सुनिए कि कुरान में मौजूद है हजरत ईसा का जमाना भी इसी तरीके से जब अतिबा अपने औज पर थे तमाम बीमारियों को जब वो इलाज कर सकते थे, सही कर सकते थे तो हजरत ईसा ने ऐसा मोजा दिखाया कि लोग हैरान हो गए क्या किया कहा तुम बीमारों को बीमारों का इलाज कर सकते हो लेकिन मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते तुम बीना, ना नाबीना को नाबीनाई को ना नाबीना को, ना को बीनाई वापस नहीं दे सकते अंधे को वापस बस बसीर नहीं कर सकते लेकिन मैं कर सकता हूं बेज्म लिहाजा जब रसूल खुदा का जमाना आया तो लोगों को बड़ा इफ्तार था अपनी फसाहत और बलागत और कलाम के कहने के तरीके पर मुलकातो सब मशहूर है काबे के ऊपर जो जिसके आज के जमाने जिसको जो फर्स्ट प्राइज जो सबसे बेहतरीन कलाम जो थे वो काबे के ऊपर लगा दिए जाते थे लेकिन जब पैगंबर आए तो उन्होंने कुरान की आयत को लगाया काबे के ऊपर कोई जवाब ना ला सका सिर्फ मोजे का पहलू यह नहीं है कि फसाहत और बलागत उसमें पाई जाती है यह एक इंपॉर्टेंट पहलू है कि उस जमाने के तमाम अरब ने जानू टेक दिए थे कि इससे बेहतर कलाम हम नहीं ला सकते हद तक बहुत लोगों ने कोशिश भी की अलफील अलफी लेकिन जमाने के साथ साथ इनकी ये खुराफात भी उनके साथ चली गई लेकिन कुरान बाकी रहा इसी के साथ साथ जब कुरान एक मुजिजा ये है उसका कि उससे फसाहत और बलागत कि किस तरीके से मानी को मानी को सा से अल्फाज में पैगंबर ने हम खुदा खुदा ने पैगंबर पर नाजिल फरमाया और पैगंबर ने हम तक पहुंचाया उससे ज्यादा हैरत अंगेज बात जो शायद हमें और आपको यह समझ में इसलिए कि फसाहत और बलागत इंशाला जो है इस बारे में कि हम लोग अरबी नहीं समझ सकते हैं तो आप कुरान पढ़ने का फायदा है नहीं है हम किस तरीके से तश्ीस देंगे फसाहत और बलागत को इनशाला अगले सेशन में आएगा लेकिन इसके अलावा कि जो हम लोग के लिए ज्यादा काबिल दर्क है वो ये है कि पूरे कुरान को एक ऐसा इंसान ला रहा है कि जो उम्मी है उम्मी बहुत सी देखा गया है कई बार माशरे इसको गलत तरीके से तर्जुमा किया जाता है कि जिसे जो खुदा न खासा अयाज्ला जो साहेब इल्म होदब अल्फाज में ये कहूं मैं लेकिन उम्मी यानी ऐसा पढ़ा लिखा कि जो कोई मदरसे में जाकर जिसे सीखा ना हो नहीं है कि जिसे कुछ आता ही ना हो पैगंबर अकल कुल है इल्म वहां से बहता है जो कहते वो इल्म बन जाता है लेकिन पैगंबर ने कोई मदरसे में नहीं गए। हका जो बुलंदी हकायक कुरान के अंदर मौजूद है वो पैगंबर ने किसी से नहीं सीखा बल्कि पैगंबर के ऊपर खुदा मतान ने नाजिल फरमाया इसीलिए आप देखे इतने मारिफ को बयान किया पैगंबर ने हता गुजश्ता अकवाम के दास्ता जो बयान की गई है पैगंबर को कहां से पता चला ने बताया या हता वो जो आइंदा में होने वाला है यह कहां से पैगंबर को पता चला अल्लाह सुबहान के जरिए से आया है इल्म ने आज जो इतनी तरक्की कर ली है कोई भी हंड्रेड परसेंट यकीनी थियोरी आज के इल्म में जो मौजूद है कुरान से नहीं टकराती और कुरान को कितने साल हो गए कितनी थियोरीज आई बदल गई कवानीन आए बदल गए लेकिन कुरान अपनी जगह पर बाकी है और कुरान का वो दावा कि अगर कोई ला सकता है तो लेकर आए एक सूरा एक नहीं ला सकते दस आयत ले आए अब भी अपनी जगह पर बाकी है लेकिन अब तक कोई इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके जीतने वाला ना मिला एक्सेप्ट बहुत लोगों ने किया लेकिन कुरान से बेहतर कलाम ना ला सके तो इनके मोजिजात के कई पहलु है एक पहलू तो फसाहा तो बलागत दूसरा पहलु कि एक ऐसा इंसान इन बातों को इन बातों को बयान कर रहा है कि जो खुद उम्मी है यानी किसी से पढ़ा नहीं है बल्कि है। है, है, चीज़ जो खुदा ने सिखाया है तीसरा पहलू वो अखबार वो में थी उसको पैगम्बर बयान कर रहे हैं उसको कुरान के अंदर लिखा गया है चार जो आइंदा के हवासे उसको भी बयान किया गया है। जैसे रोम का शिकस्त होना रोम का फतह होना फिर उसके बाद शिकस्त होना और उसके बाद एक और पहलू जो कुरान के एजाज को साबित करता है वो है कि आप कुरान के अंदर कहीं भी आपको टकराव नजर नहीं आएगा कुरान इंशाल्लाह बयान होगा कई मरहलों में नाजिल हुआ कभी सोलह के टाइम पे नाजिल हुआ कभी जंग के वक्त पर नाजिल हुआ कभी हो, कभी आरामिश और खुशी के मौके पर नाजिल हुआ कभी जो गम के माहौल में नाजिल हुआ लेकिन कभी भी कुरान अपने आप से नहीं टकराता है कितनी बड़ी कितनी आयत है कुरान में छह हजार दो सौ छत्तीस आयते कहीं भी कोई आयत में टकराव नजर नहीं आता ये दलालत करता है इस बात के ऊपर कि वो कि जिसने इसे भेजा है इतना अहाता था उसके ऊपर जो भेज रहा है कि इसके दरमियान कहीं भी टकराव नजर नहीं आया वो भी कितने साल पहले हजारों चार सौ साल से ज्यादा हो गए इसी के साथ साथ एक के कभी टकराव नजर नहीं आता एक और मरहला या एक और एजाज वाली बात कुरान की यह है कि अब कुरान के जो कवानीन है अब उसको अगर देखे ग्लोबल स्केल पर इंसान की शख्सी जाति मफाद से दूर हटकर इसलिए कि कुरान सिर्फ इंसान एज एन इंडिविजुअल या फर्द फर्द के लिए नहीं आया है बल्कि कुरान फर्द के लिए भी है और सोसाइटी के लिए भी है लिहाजा जब हम लोग महदवी समाज की बात कर रहे हैं समाज यानी सोसाइटी महदवी सोसाइटी की जब बात करते हैं तब हम कुरान से इस्तेफा करते हैं अगर कुरान से पर्सनल बेनिफिट के लिए आता मफाद शख्सी के लिए आता तो हम लोग को फिर समाज में कुरान की बहस नहीं करनी चाहिए डिस्कस नहीं करना चाहिए कुरान के बारे में बल्कि कुरान फर्द के लिए भी आया है इंडिविजअल के लिए भी आया है और एज अ होल सोसाइटी समाज के लिए भी आया है लिहाजा जब हम लोग कुरान को देखते हैं इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे और सोशल एस्पेक्ट पे तो हमें ये कामिलन मुताबिक लगता है इंसान की फितरी कवानीन से बहरहाल इन सबको खूब ये क्लेम है कबूल ये इद्या है सिर्फ लेकिन इसको अगर अमाली करना है तो बहरहाल आपको और हमें और तहकीक करनी होगी इसलिए कि कुरान तो चैलेंज कर रहा है अपने मवाद के लिहाज से अगर हम इसे बेहतरीन किताब समझते हैं कि जो हमारा अकीदा है कि जो जरूरियात दीनी में से हमारा कि कुरान अफजल किताब है तमाम कुतुब आसमानी से अगर हमारा ये अकीदा है कि कुरान इस्लाम सबसे बेहतरीन दीन है कि जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में काम आएगा तो कुरान पे अमल करना हमारा वजीफा है कौन सा आपको अकलमंद इंसान मिलेगा कि जो जानता हो कि फर्ज करे आपको अगर कोई कह दे कि अगर आप कल उठ के नमाज शब पढ़ेंगे तो आपको जो है पता नहीं कितने लाखों हजार डॉलर मिलेंगे बनवाने मिसाल लोग जाग जाग कर उस नमाज के वक्त को दर्क करने की कोशिश करेंगे ताकि नमाज कहीं छूट ना जाए क्यों इसलिए वो फायदा जो इस नमाज से हमें मिलने वाला है वो हमसे छूट ना जाए कुरान आपको कह रहा है कि देखो कुरान आपकी आखिरत को आबाद कर देगा लेकिन कुरान हमारे यहां पे महजूर रह गया अब यह सवाल फौरन जहन में आता है और बहुत से लोग अफराद पूछते भी हैं कि ये बताइए कुरान की तमाम बातें सही सराखों पर लेकिन हम जब तिलावत करते हैं तो हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता लिहाजा कुरान ने हत्ता करात करने का तरीका भी बताया है ये जो सवाल किया जाता है हमें समझ में नहीं आता इंशाल्लाह कल की गुफ्तगू में इसको मुफस्सल तौर पर अर्ज करूंगा कि क्यों हमें समझ में नहीं आता लेकिन फेलन आज के लिए इस आयत को अपने ज़हनों के कुरान ने करात का तरीका भी बताया है फरमाया कुरानन फर्कनाहू लतकराहू अलनासे अलमुकसिम कि हमने इस कुरान को के जो बख्श बख्श में हिस्सों हिस्सों में नाजिल किया है ये क्यों इसलिए नाजिल किया है ये इसलिए नाजिल किया है ताकि ए मेरे हबीब ए पैगम्बर आप लोगों के ऊपर इसकी करात करे करात यानी क्या पढ़ना कुरान यानि क्या वो किताब जिसे पढ़ा जाता है कुरान माना क्या है जिसे पढ़ा जाए किस तरीके से पढ़ना है तकरा हो अ से अलाकसिन आहिस्ता आहिस्ता पढ़े कोई रेस नहीं है कि हम जिस तरीके जैसे माह हमारे का शुरू होता है हम हाँ, अल्फाज जो है शुरू से रहीम एक महीने के अंदर चार कुरान खत्म करने तीन कुरान खत्म करने बहुत अच्छी बात है लेकिन ये तमाम हदफ नहीं है कुरान का इनशाला इसके बारे में कल गुफ्तु और होगी कुरान के सिलसिले में और कुछ नुकात बयान करने एक है कि कुरान की तरतीबंदी जो है आप जानते कि 114 सौ चौदह सूर है तीस पारे हैं, छह आयत है, है कर्न में कभी कभी यहां पे आयत के लिहाज से थोड़ा सा इख्तिलाफ हो जाता है लेकिन बहरहाल बहुत ही जुजी है वो अपने खास इल्म में वो जाती तफसील आपको मिलेगी लेकिन बहरहाल ये तरतीबंदी सूरों की आयत की पारों की सब रसुल खुदा के जमाने में हुई थी खुद रसोल खुदा ने इस आयत को यहां रखे इस कुरान की तरतीब इसके बाद आएगी लिहाजा आप देखें कभी कभी आपको लगेगा कि जो है जैसे वाज सी मिसाल आए तथहर जो है अजवाजनबी या नसान्नबी के बीच में है या आए इकमाल जो है अल मकमल दीन उकम यह कहाँ पर आई है ये जो है हलाल वराम इलाही के बारे में यानी एक फूल दीन की बहस आई है और फिर अचानक से जो परवरदिगार मुताल ने इकमाल दीन की बात करी जो उस दीन में से है तो ये इख्तलाफ जो हमें दिखता है वो खुद रसूल खुदा के जमाने से था क्यों इसको बयान किया खूब इसकी मुफसल बस अपनी जगह पर लेकिन एक छोटी सी एक छोटी सी हमत इसके पे, छोटी सी विजडम इसके पीछे ये है कि अगर बाद में कोई तहरीफ करना चाहे कुरान को वो तहरीफ ना कर सके जिस तरीके से परवरदिगार मतान ने अहल बैत की अदम तहरीफ यानी अहल बैत की पाकीजगी की गारंटी ली है उसी तरीके से कुरआन के पाकिजगी की भी गारंटी ली है कि कुरान अबद कयामत तक तहरीफ नहीं होगा इन्ना नज़ल न निक्र व इन्ना लहूजून और हमने इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इस किताब की हिफाजत करेंगे पर मुताल से, से दुआ है कि हमें कुरान को सीखने की समझने की तोफीक अता करे और उससे ज्यादा मुहिम सीखने समझने के बाद उस पर अमल करने की तोफ़ी अता करे पर मुतार से दुआ है कि हमारी ज़िंदगी को साय अहलब और कुरान में जावेदान रखे और इस मुसीबत के ज़माने में जो हम लोग गुजर रहे हैं अभी उसको जल्द अज जल्द पूरी इंसानियत से दूर कर दे अमेकुम वर हमला